राति पाइले कटकणा भितर हेबो बाहुडा यात्रा जन्मवेदी छाड़ी रत्नवेदी को बाहुड़े श्रीजू एथिपाई रथपथ सब प्रस्तुत आज विलंबित राति रे पहुड़ आलती परे दैतापति सेवायतंक द्वारा बाहुडा यात्रा पाई सेनापटा लागी बाहुट कंट आदि लागी हेबा परे विशेष नीति करा जिवो। सेपटे जो सरथापाली और गुंडीचा मंदिर अंचल नवमी संध्या दर्शन रे उछुली पड़े ताहा भी निस्तब्ध खाँ खाँ लगुची संपूर्ण परिवेश। कोविड कटकणा जोगु गतकाली संध्या दर्शन बंद रहिथिला। आज मध्य संध्या दर्शन रु वंचित हेबे भक्त किंतु आड़प मंडप रे चलीछि महाप्रभुंक समस्त नीतिकांति। अनेपक्षे श्रीगुंडीचा यात्रा अपेक्षा बाहुडा यात्रा रे कटकणा अधिक कड़ाकड़ी करा जिवो। नियम उल्लंघन कले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली पुलिस प्रशासन पक्षरु दिया जाइछि चेतावनी। रथयात्रार सामान्य विश्रुंखला को बाहुडा यात्रा रे बर्दाश्त करा जिवो नाही। सेइथिपाई बड़दाण्डर उभय पार्श्वरे थिबा व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरर मुरब्बी मानंकु गतकाली एसपी भेटी कटकणा संपर्करे अवगत कराइबा सह तागिद करिछंती। सेभली बाहुडा यात्रा किभली सुचारू रूपे हेबो सेथिपाई पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति। आज राति 8टा रु 21 तारिख राति 8 पर्यंत पुरी सहररे 48 घंटिया कर्फ्यू सील हेबो। पुरी को संयोग करथुबा समस्त प्रवेश पथ ए बाबद्रे अधिक सूचना पई आलोक आशुतोष सीधासख पुरी प्रतिनिधि जोड़ी होती आम सहित। आलोक संध्या दर्शन रे आपण जानिछंती जे पुरी केते मात्रा रे भिड़ जमे एवं वर्तमान समय रे ताहा खां खां लागुची निस्तब्ध अनुभूत होउची कारण कोविड कटकणा भितरे महाप्रभुंक रथयात्रा अनुष्ठित होउची। बाहुडा यात्रा पई प्रस्तुति शेष पर्याय रे बोली आमे कहबा कि निश्चित भाव स्मृतिलग्न आपड़ जानते आड़प मंडप आज हूँ महाप्रभुंर शेष लीला खेला आसंता का बाहुडा यात्रा रे महाप्रभु बाहुड़े आड़प मंडपुर धाड़ी पहंडी आसबे। किंतु बड़ कथा हूँ गत काली संध्या दर्शन एवं आज संध्या दर्शन आपड़ जानते संध्या दर्शन ने पूरी में ना नीड़ हुए कारण आड़प मंडप चतुर्धा विग्रह दर्शन करनेपर अनेक संख्यार भक्त श्रद्धा भिड़ जमी था। कितु गत काली परेशमें आप देखल संपूर्ण रूपे खाँ खाँ थी आज संपूर्ण रूपे खाँ खाँ रेहतु बिना भक्त में महाप्रभु रथयात्रा ठार आरंभ कर नीलाद्री विजय पर्यंत समस्त नीतिकांति अनुष्ठित हे निहाती भाव में आज बड़ गुरुत्वपूर्ण दिन टे कारण आप जानते जेहेतु आसंता काली हूँ पवित्र बाहुडा यात्रा धाड़ी पहंडी चतुर्धा विग्रह आसबे और रथारूढ़ होकर सीधासल श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख को जब से ही परिप्रेक्षी आज सका सकु महाप्रभु मंगल आरती मैलम तड़प लगे अवकाश नीति सरवापर सका धूप मध्यान धूप और संध्या धूप सरवापर महाप्रभु बड़ सिंहार भेष बड़ सिंहार भोग बड़ सिंहार भोग महाप्रभु को पहुड़ आलती पहुड़ आलती पर दैतापति सेवायत मानक अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जेहेतु महाप्रभु गत काली पहंडी एवं से आम कहीपर दैतापति सेवायत मैंने विलंबित राति में महाप्रभु बाहुट कंठ नीति ठार आरंभ कर सेनापटा लगी नीति और कोठ सुहासीआ सेवायत मैंने रत्न सिंहासन में चारमाल बांधे और कुसुम लगे नीति निहाती भाव में आसंता का सका धूप पर महाप्रभु मंगलार्पण हम तापर कहीपर धाड़ी पहंडी चतुर्थ विग्रह विजय करेंगे निहाती भाव में लीला खेल संपूर्ण रूपे आज ही शेष व्यवसायिक जो जो माने व्यवसाय करती से आख पाखरे बा लोक मानको बुझा सुझा करिसेंती तागिद करिसेंती सामान्य हेले विश्रुंखला बर्दाश्त करा जीवो नाही। निश्चित भाव स्मृतिलग्न आप देखिले रथयात्रा दिन सीधासल एसओपी को बा कटकणा को अनेक भक्त श्रद्धा मैंने उल्लंघन कले अनेक लजिंग परिप्रेक्षी सिल करागला कारण पूर्वर कड़ा निर्देश रही है प्रशासन एवं राज्य सरकार रथयात्रा समय संपूर्ण भाव लजिंग छात उपर हो कि बड़दाण्डर उभय पार्श्वर थी घर मानक छात उपर हो कौन व्यक्ति विशेष महाप्रभु को रथारूढ़ अवस्था दर्शन करें ना कि सीधासल बड़दाण्ड को ओह्लाई आसी महाप्रभु रथ मध्य टाणवार नजर रही है और बड़दाण्ड को ओह्लाई आसी महाप्रभु सहित सेल्फी नहीं रथ सहित सेल्फी नहीं अनेक अमानिया कटकणा को उल्लंघन कर छात उपर ठिया होकर महाप्रभु को दर्शन करते से परिप्रेक्षी में पुलिस लंबा तालिका जारी कर पाखापाखि 19 जन को पुलिस चिन्हट कर कितु बड़ कथ हूँ गत काली पुरी एसपी कनवार विशाल सिंह और संपूर्ण पुरी पुलिस टीम संपूर्ण रूपे सिंह श्रीमंदिर ठार सिंहद्वार पर्यटन उभय पार्श्वर थी जो लजिंग मालिक अच्छा किटेल धर्मशाला
ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେହି ଯେମିତି କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲଜିଂ ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ହୋଟେଲକୁ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ 21 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯିବ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ କେ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ହେଲା ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନାବେଶ ପରେ ଆଲୋକ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଲୋକ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତା ସହିତ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।